गाइस वेलकम टू जेज ऑटोमोबाइल व्लॉग्स और मैं हूं जितेश। तो भाई आज की जो कार रहने वाली है वो रहने वाली है अपने दोबारा से डिफरेंट, और आप लोगों ने भाई इनोवा क्रिस्टा की मॉडिफिकेशन देखी होगी। तो आज भी एक दोबारा से मनु भैया और डिंपल भैया के पास आए हैं, और आज तक मनु भैया और डिंपल भैया अपनी जो इनोवा क्रिस्टा है वो करेंगे बहुत ही जबरदस्त रेडी। और भैया फटाफट बता दो क्या क्या होने वाला है आज कार। ऑलमोस्ट इसमें सारी मॉडिफिकेशन हो जाएंगी, HID से लेके हमारी इसमें टेल लाइट्स हो गई, सीट कवर्स हो गए, और बहुत सारी एक्सेसरीज है जो हम वीडियो में दिखाएंगे ज्यादा बेटर। गाइस काफी कुछ होने वाला है एक्सेसरीज में, और मैं आपको बता रहा हूँ एक तरह से देखो बेस मॉडल से हम बिल्कुल से टॉप मॉडल टाइप बना देंगे, अपना सीट कवर से लेके पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर सब चीज जो कंपनी के टॉप मॉडल आते हैं सेम मैचिंग है उस हिसाब से डलवाएंगे। भाई जो कंपनी का टॉप मॉडल आता है वो आता है 5 लाख महंगा, पर हम सस्ते ही प्राइस में अपने बिल्कुल से टॉप मॉडल जैसा बना देंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइज दिस इज आर कार, और एक बार देख लो अपने पास ये इनोवा क्रिस्टा का ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो सबसे पहले भाई मैं अगर फ्रंट से स्टार्ट करूँ तो फ्रंट में अपने इसके अंदर पूरी DRL लग रही है, तो यहाँ पे पूरा काम स्टार्ट हो चुका है। साथ के साथ भाई DRL लगेगी जब मैं आपको दिखाऊंगा। अपने यहाँ पे हॉर्न चेंज हुए हैं, अपने देख लो हेले के जो क्रोम वाले हॉर्न आते हैं जो क्रेटा स्टाइल में जो साउंड आती है वो है इसमें हॉर्न, और बाकी DRL वगैरह जब मैं लगेगी आपको दिखाऊंगा। आपको दिख रहा होगा भाई अपना बेस मॉडल है, तो इसके अंदर एक प्रोजेक्टर लगवाने का भी पूरा सिस्टम आता है, मतलब आपकी पूरी असेंबली चेंज होएगी। इफ़ यू वांट आप वो भी ये करवा सकते हो, ये भी मार्केट के अंदर ऑप्शन है, बट इसके अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। साथ के साथ मैं अगर साइड में हूँ तो भाई साइड में इसके अंदर अलॉय व्हील्स भी चेंज है, तो अलॉय व्हील्स जो डलने हैं भाई वो डलने हैं अपने 17 इंचेस के। आपको टायर साइज दिख रहा होगा 215/60R17। स्टॉक अपना 16 इंचेस आते हैं, बट भैया ने इसमें अपग्रेड करवा के एक इंच और बढ़वा दिए हैं, तो ये 17 इंचेस के अलॉय व्हील डल चुके हैं। साथ के साथ भाई गाड़ी का पूरा इंटीरियर वगैरह रेडी हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी बिल्कुल स्टॉक है, बिल्कुल न्यू कार है भाई, सीधा काम होने आई है। और आप लोगों के लिए भाई इनोवा क्रिस्टा की वीडियो लेके आया हूँ। जो अपना माउथ है गाइस वो स्टॉक के रहने वाला है, बट जिन भाइयों के पास भी इनोवा है उन्हें पता होगा बेस मॉडल के अंदर अपना भाई जो कैमरा आता है वो नहीं आता, और अगर आपको इस स्टीरियो में कैमरा चलाना है तो आपको एक कन्वर्टर लगवाना पड़ता है। तो उसका इस कार के अंदर कन्वर्टर भी लग रहा है, और कन्वर्टर जब लग जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा कन्वर्टर होता है। साथ के साथ भाई लोअर गार्निश भी लगनी है, बहुत सा काम होने वाले कार में, सब कुछ बताऊंगा। अभी भाई अपनी कैमरे की पूरी इंस्टॉलेशन हो रखी है, और कैमरे की अगर प्लेसमेंट दिखा देता हूँ, कैमरे की भाई अपनी प्लेसमेंट यहाँ हो रही है जो अपना बिल्कुल टॉप मॉडल में आता है वैसी वाली प्लेसमेंट हो रही है, और कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, हर चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। साथ के साथ भाई इसके अंदर पूरी लाइटें ऑन हुई है, और मैं आपको दिखा देता हूँ लाइटें। जो लाइटें डली है भाई वो अपनी 5 पीस में डली है, 5 पीस से मेरा मतलब है 1, 2, 3, 4 और 5, इसे हम भाई 5 पीस कहते हैं। इसे देख लो एक बार, लुक देख लो इसकी, क्या जबरदस्त की लुक आ रही है। और क्रिस्टा की भाई लाइट है बहुत प्यारी आती है, एक बार थोड़ी दूर से लुक दिखाऊं तो ऐसी आती है इसकी पूरी लुक। साथ ही साथ अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो नीचे आपको भाई इसके अंदर रिफ्लेक्टर दिखेंगे, और रिफ्लेक्टर का एक बार डिज़ाइन देख लो कैसा है। तो दोनों की अगर मैं ओवरऑल लुक दिखाऊं तो अब देख लो ऐसी लुक आ रही है इसकी। बाकी लाइट्स देख लो भाई, बिल्कुल अभी जस्ट ब्रांड न्यू इंस्टॉल हुई है इसके अंदर, और यहाँ पर सारी वर्किंग है देखो सारा कुछ। एक बार इसका इंडिकेटर वगैरह ऑन करके दिखा दो, तो भाई एक बार इसका इंडिकेटर वगैरह भी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो भाई देखो जो इंडिकेटर है वो अपना मैट्रिक्स स्टाइल में है, पूरा मैट्रिक्स है मेरा मतलब है भाई रनिंग, जो अपने मूविंग होते हैं जैसे ऑडी स्टाइल में आते हैं। साथ ही साथ आपको रिफ्लेक्टर दिखाऊं तो भी भाई पूरा मूविंग है अपना, ये देख लो पूरा मूविंग है। और एक बार पूरी दूर से लुक दिखाऊं मूविंग की तो देखो कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है भाई, और लाइटें डलते ही और अलॉय डलते ही गाड़ी की लुक है भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है, और बिल्कुल कहते हैं ना चेंज हो गई है स्टॉक से, तो फार 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 बेटर हो गई है। अलॉयज़ वगैरह के साथ सब कुछ मैं लुक दिखाता हूँ। बाकी जो भाई मैं DRL का बता रहा था, अपने DRL का काम यहाँ पे सारा स्टार्ट हो चुका है, और देखो एक लाइट के अंदर हमारी DRL डल चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो DRL देख लो, DRL के अंदर भी भाई अपने DRL और जो अपने इंडिकेटर है वो भी इसमें मूविंग होंगे, वो चेक करेंगे कैसा आएगा। बाकी इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, आगे से खुला हुआ था, ये देखो भाई पूरी इंस्टॉलेशन हो गई है। और ये देखो इसका जो स्टॉक वाले क्रोम होते हैं वो हटके इसके अंदर ये वाला पार्ट लग जाता है, जो अपने स्टॉक क्रोम होते हैं भाई मैं दिखा देता हूँ, वो ये होती है देखो, और इसके अंदर ये लग जाता है। बाकी उसकी वायरिंग किट वगैरह पूरी देखो कितनी, इसका पूरा अडैप्टर वगैरह सब कुछ आता है। तो जब ये भी इंस्टॉल हो जाएगा ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी एक बार लाइट देख लो, कैमरे के पूरे वायरिंग हो रही है, और प्लेसमेंट मैंने आपको ही दिखाई दिया। जब वायरिंग ऑन हो जाएगी उसके साथ मैं आपको भाई स्टॉक वाले स्टीरियो में ही लगा के दिखाऊंगा। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि अगर हम स्टॉक में चला सकते नहीं चला सकते, तो भाई आज की वीडियो में वो चीज़ भी मैं बिल्कुल कवर करने वाला हूँ। सो गाइज़ अपनी ये पूरी देखो DRL इंस्टॉल हो चुकी है, और जस्ट हमारा वायरिंग का काम रह गया। देखो भाई सारा वायरिंग यहाँ पे पूरी छुपाते हुए अपना कपलर टू कपलर वाला काम है, ये DRL की वायरिंग आई और ये इसका कपलर इंस्टॉल हो गया। बाकी भाई पूरी वायरिंग अपनी पूरी छुपा छुपा के जा रही है, देखो यहाँ पे सारा टाइट कर दिया भैया ने वायरिंग बिल्कुल चिपका के, ताकि आपके बम्पर वगैरह में कहीं नहीं अड़े वायरिंग। तो पूरी देख लो भाई प्रोसेस इसका, भाई देखो
पूरी इसकी प्रॉपर फायरिंग हो गई। साथ ही साथ भाई इधर से भी एक बार आपको पूरा कपलर वगैरह दिखा देता हूँ। देखो भाई ये इसका कपलर है और जो इसकी असेंबली है भाई, ये इसकी असेंबली है। देखो यहाँ पे जस्ट ये आपके ये वाली जो वायरिंग है आपकी फ्यूज बॉक्स में चली जाएगी और आपकी इंडिकेटर और अपनी DRL आपकी यहीं से ऑन हो जाएगी। तो ये सारी वायरिंग आपकी सब छुपते हुए चली जाएगी गाइस और बिल्कुल अपना फर्स्ट क्लास सारा काम हो जाएगा। देखो वायरिंग बाहर आ चुकी है जो डलने वाली है अपनी फ्यूज बॉक्स में, ये वाली देखो पूरी वायरिंग ये रही। बाकी भाई गाड़ी के अंदर अभी प्रोजेक्टर भी डल रहा है, फॉग लैंप वाला प्रोजेक्टर भी होता है जो इसका प्रॉपर इनोवा क्रिस्टा के लिए आता है, वो भी डल रहा है। साथ ही साथ इसका आगे भाई डिफ्यूज़र, फ्रंट डिफ्यूज़र भी डल रहा है, दिखा देता हूँ। जो अपना फ्रंट बम्पर गार्ड कह लो या कुछ भी कह लो भाई, वो भी इसमें डल रहा है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या डिज़ाइन डल रहा है, हर एक चीज़ दिखाऊंगा भाई वीडियो में। सो गाइस जो मैं आपको फ्रंट पूरा बम्पर टाइप बता रहा था, जो अपना बम्पर गार्ड है ये पूरा ABS क्वालिटी का है और ये हमारा बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है। एक बार दूर से पूरी लुक दिखा देता हूँ इसकी। इसके भाई दो फायदे, एक तो आपकी लुक कितनी एनहेंस हो गई है, ऐसा लग रहा है अपने भाई इसमें पूरी बॉडी किट टाइप इंस्टॉल हो गई फ्रंट में। सेकंड, आपको जो बम्पर है वो छोटे मोटे स्क्रैचेस वगैरह से बच जाएगा, आपका बम्पर का पेंट वगैरह कुछ खराब नहीं होगा। अगर कुछ छोटे मोटे स्क्रैचेस या टच हो गए तो गाइस इस पर टच होगा। और ये देखो ABS क्वालिटी का है, ये मेटल का नहीं है। साथ के साथ जो मैं आपको भाई DRL बता रहा था वो भी इंस्टॉल हो गई है। एक बार DRL ऑन करके दिखा दो। तो गाइस देखो अपनी DRL ऑन हो गई है, एक बारी पूरी दिखा देता हूँ देख लो, और एक बारी साइड से भी दिखा देता हूँ DRL भैया। साथ में एक बार इंडिकेटर ऑन करना। तो भाई अपने इंडिकेटर देख लो, इनोवा क्रिस्टा का भाई नीचे ही इंडिकेटर आता है। साथ के साथ भाई जो DRL है वो भी इसके साथ आ गई। अपना स्टिल है, मूविंग नहीं है, बट ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, डिसेंट सा देख लो भाई। फ्रंट से गाड़ी के लुक काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एनहेंस हो गई है। साथ के साथ भाई अगर साइड में दिखाऊं तो इसमें जो आपको दर्द था लोअर क्रोम गार्निश है वो भी पूरी इसके अंदर परफेक्टली इंस्टॉल हो गई है। पूरी दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो भाई लोअर गार्निश पूरी इंस्टॉल हो गई है। और अपना जो टॉप मॉडल टाइप आता है भाई उसके अंदर सब में लोअर गार्निश आती है। साथ के साथ अगर भाई आपको गेट खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे अपनी शेडो लाइट वो भी इंस्टॉल हो गई है। इसके ऊपर अभी पन्नी लगी हुई है, अगर पन्नी हटा के दिखा देता हूँ आपको, देखो भाई इसकी शाइन देख लो। अपना ब्लैक कलर में लगा है, ब्लैक क्रोम टाइप में, और ब्लू कलर की लाइट्स है अपने जो भाई वेलकम लाइट्स बोलते हैं, स्कफ लाइट्स बोलते हैं, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। साथ के साथ पीछे भी दिखा देता हूँ आपको भाई, देख लो। और बाकी भाई इसके अंदर अभी शेडो लाइट्स भी लग रही है हमारी, जैसे जो टॉप मॉडल में आती है। इसमें तो भाई सिर्फ अपना ये नॉर्मल रिफ्लेक्टर है, पर इसके अंदर हम शेडो लाइट्स लगाएंगे भाई। एक बार निकाल के दिखा रहे हैं इसे, ये देख लो। तो भाई यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर लाइट लग जाएगी और बढ़िया लाइट आएगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस जो मैं आपको शेडो लाइट बता रहा था वो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, और देख लो यहाँ पे आपको हल्की हल्की लाइट दिख रही होगी। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई इसकी प्रोजेक्शन। अभी देखो ब्राइट है तो आपको इतनी नहीं दिखेगी, जब रात में इसका काफ़ी अच्छा ग्रेस आएगा देख लो गाइस। ये पूरा देखो पूरा टोयोटा का, और यहाँ पे अपना देखो हिसाब पूरा ये, और टोयोटा का साइन और साथ में टोयोटा का लोगो, और ये पूरा रोड पे रिफ्लेक्ट मारेगा। तो ये भाई हमने इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। साथ के साथ मैं अगर पीछे दिखाऊँ आपको जो स्टॉक वाला है, तो स्टॉक वाला देख लो भाई, ये पूरा कपलर हिसाब आता है इसका, सिर्फ अपना रिफ्लेक्टर टाइप होता है, बट इसके अंदर पूरी वायरिंग बनी है, कपलर वाली वायरिंग बनी है, और कपलर के बाद ये पूरा ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है। पूरा इंटीरियर का काम भी हो रहा है अपना, देख लो ये पूरा गोल्डन फिनिश में जो अपना होता है ये इसके ऊपर पूरा लग जाएगा। आगे दिखा देता हूँ, आगे अपना लग चुका है ये देख लो भाई, पूरी इसकी किट आती है, ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है। और ये इस कंपनी का आता है भाई, चेक कर लो। बाकी देखो छोटे छोटे पार्ट्स अभी बाकी हैं लगने, यहाँ पे भी लग चुका है अपना AC वेंट के ऊपर, चेक कर लो भाई पूरा यहाँ पे भी। तो भाई इससे लुक काफ़ी प्रीमियम वाली आ जाती है और लुक काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, ये चीज़ें दिखा दी। बाकी आपको मैं अगर बूट का भी दिखाता हूँ, बूट में भी एक दो चीज़ें हमारी इसके अंदर नहीं इंस्टॉल हुई हैं भाई। बूट के मैं सबसे तो आपको यहाँ पर बूट क्रोम दिखेगा देख लो पूरा, साथ के साथ भाई उसी के नीचे आप स्कफ प्लेट देखो, जो बूट की स्कफ प्लेट होती है वो भी इसमें इंस्टॉल हुई है। और एक बार पूरी लुक चेक कर लो इसकी कैसी लग रही है पीछे से, अपने लाइटों के साथ बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है सबकी। अपना भाई कलर ऐसा है तो क्रोम का काम परफेक्टली इसके साथ जा रहा है, आप चेक कर लो पूरा, येरा पूरा यहाँ पे क्रिस्टा लिखा हुआ है और डिग्गी क्रोम वगैरह हर चीज़ चेक कर लो भाई। पूरी कार में फीचर्स लोडेड है कार का, और काफ़ी एसेसरीज इसके अंदर इंस्टॉल हो रही है, और पूरी चेक कर लो भाई। आपको वुडन गेट दिखा देता हूँ कहाँ का लगी है भाई, देखो ये पूरा भाई लगा है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट भी पूरा हुआ है देखो यहाँ पे, ये छोटे छोटे पार्ट्स भी कवर हुए हैं। और देखो भाई इससे लुक काफ़ी एनहेंस हो गई है अपने भाई, थोड़ा प्रीमियम सी फील आ गई है कार के अंदर, और अब भाई अंदर से लग नहीं रहा है बेस मॉडल अपना। एक बार वहाँ पे भी दिखा देता हूँ पूरा वो वाला पार्ट सेम एज इट इज़ है। पीछे भी दिखा देता हूँ भाई, पीछे भी पूरी ज़बरदस्त तरीके से लगे, देखो भाई वहाँ पे लग रही है अभी हमारी किट उस साइड, देखो पूरा कहाँ कहाँ गेट लग रहा है। और इस साइड दिखा देता हूँ भाई, देखो पूरी अपनी भाई किट लगी, और ये भाई लीक कंपनी की है बिल्कुल, जो पूरी प्रॉपर फिटिंग के साथ आई है, यहाँ पे चेक करो आप। अभी भाई जो आपको ये AC वेंट है वाला यहाँ पे भी लगेगी, उस वाले AC वेंट पे भी लगेगी, अभी वो काम कंप्लीट हो रही है। बाकी भाई ये बहुत ही बढ़िया लग रही है, और एसेसरीज वाइज देखा जाए तो भाई ये चीज़ बेस्ट लगी अभी तक मुझे, और सबसे इजी बात है भाई बहुत जल्दी लगी है, इजी टू होल्ड है। और बाकी देखो पार्ट्स ये जो मैं बताऊँ पीछे वगैरह लगने हैं अभी, और बाकी के पार्ट्स वगैरह देखो ये सारे लगे काफ़ी ज़बरदस्त भाई, इसके पार्ट्स वगैरह हैं देखो कितने सारे इसके पार्ट्स हैं, और ये भी अभी लगने हैं इसमें। तो गाइज अपनी वुडन किट के बाद अब इसके अंदर हमारे क्रोम वाले हैंडल्स भी लग रहे हैं, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, वो भी लीक कंपनी के लग रहे हैं भाई ये रहे हैंडल्स। और अभी इस पर हम प्राइमर लगा रहे हैं ताकि जो इसकी चिपक है वो अच्छी तरह बनी रहे और ये निकले ना,
इस पर भी भाई अपना प्राइमर लगा है, इस पर भी अपना प्राइमर लगा है, और ये अपने भाई हैंडल है देख लो पूरा अपने पैक और फ्रंट का। तो भी एक बार ये लगा के दिखा दो, छत पे भी लगाई दो प्रूफ रिंग वो खाना खाने के बाद लिखा। सो गाइज अब देख लो बिल्कुल शाइन इसकी कैसी है, और ये एज इट इज़ बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ आएगा। अभी भाई सेट कर रहे हैं, और देखो भाई इसके पीछे डबल साइडेड टेप होती है अपनी, और उसमें लिखा भी होता है कि ये हैंडल किस साइड का है, तो भाई पीछे से पढ़ के अपना एज इट इज इसे लगा लो। अगर कोई भाई दूर रहता है तो भाई उनके लिए ठीक है, अपना खुद भी लगवा सकते हो, ये इसमें कुछ नहीं होता, जब अपने एक प्राइमर लगाना होता है। और एक बार मैं आपको लुक भी दिखा दूंगा इसकी कैसी आ रही है। तो भाई जी देखो बिल्कुल प्रॉपर ही चिपक गए हैं, बढ़िया तरह सेट हो गए हैं देखो भाई, बिल्कुल जैसे जेन्युइन कंपनी फिटेड के आते हैं अपने, वैसे वाले बिल्कुल ये भाई है हैंडल। और इसका जो सेकंड पार्ट है भाई वो भी दिखा देता हूँ, भैया एक बार गाड़ी में सेल्फ मार लेना। सो गाइस ये देखो ये भी बिल्कुल पूरा लग चुका है, और इसके लुक चेक कर लो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और भाई जो एक कलर है उसका मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ आपको, क्रोम के जो पार्ट है वो बहुत परफेक्टली जा रहे हैं, और ऐसे भाई अपने चारों हैंडल लग जाएंगे। जब चारों लग जाएंगे एक बार मैं फिर लुक दिखाता हूँ आपको। मैं आपको कैमरा बता रहा था अपने स्टॉक वाले स्टीरियो में, वो भी इंस्टॉल हो चुका है, तो भाई एक बार रिवर्स डाल के दिखा दो। सो गाइज हमारा रिवर्स जल गया, और देखो भाई अपने जो स्टॉक वाली स्क्रीन है उसी के अंदर हमारा कैमरा ऑन हो गया, और फिटिंग वगैरह देख लो इसकी बिल्कुल प्रॉपर जो होगा पीछे मैंने दिखा दी थी। और क्वालिटी वाइज देखो भाई एक बार दोबारा से डीपे करना अपना, और अब दोबारा से पार्किंग लगाओ। तो गाइज देख लो बिल्कुल अपना फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसके लिए अपना एक कन्वर्टर लगता है, वो भी इस कार के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। और एक बार मैं आपको पीछे से दोबारा से वो दिखा देता हूँ अपने कैमरे की प्लेसमेंट, अपने भाई पीछे क्रोम हैंडल्स लगे ही रहे हैं। और भाई अपनी कैमरे की प्लेसमेंट देख लो, ये रही बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और लाइटों के साथ भाई हर चीज़ बड़े ज़बरदस्त लग रही है, और क्रोम हैंडल अपने लग चुके हैं इस साइड के। और लुक देखो भाई इसकी कितनी बढ़िया आ रही है, ये और ये क्रोम पार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और इंटीरियर वाइज भी आप पूरा देख लो भाई, बाकी फ्रंट में मैंने आपको DRL और ये दिखाई दिया था। तो भाई इस कैमरे के बाद जो इसके अंदर काम हुआ एक बारी मैं वो आपको दिखा देता हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई पहले डे व्यू था और अब नाइट व्यू आ गया, तो भाई उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या था। तो भाई इसके अंदर जो सीट कवर वगैरह रेडी हो रहे थे, तो हमने उसके लिए इसे होल्ड पे डाल दिया था शूटिंग को, ताकि यार ये आप लोग भी बोर ना हो क्योंकि सीट कवर लगाते हो भाई क्या देखते हैं। मैं सोचा आपको सीधा फाइनल लुक के दिखाएंगे। तो सीट कवर लगाते लगाते इसके अंदर काफ़ी टाइम हो गया था, साथ ही साथ मैं आपको भाई पहले बाहर से गाइड करूँ जो और नई चीज़ ऐड हुई है अपने भाई, ये जो साइड स्टेप होती है ये इसके अंदर ऐड हुई है, और पूरी चेक कर लो कितनी प्रॉपर इसकी फिटिंग आई है, और ये भी काफ़ी शानदार लग रही है, और काफ़ी हेल्प भी है, और काफ़ी ड्यूरेबल भी है भाई, चेक करो ड्यूरेबल भी है काफ़ी, तो ये आपको काफ़ी हेल्प होती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये इसमें भाई साथ में एडिशन हुआ है। साथ के साथ अब मैं इंटीरियर की तरफ चलता हूँ। तो इंटीरियर भाई इस गाड़ी के अंदर पूरा अपने सीट कवर वगैरह रेडी हो गए हैं, आप चेक कर लो। पहले प्रोग्राम था कि भाई इसका इंटीरियर रेडी नहीं होगा, बट अब साथ के साथ इंटीरियर भी रेडी हो गया है। और एक बार ये आप लुक चेक कर लो, जो अपने इनोवा क्रिस्टा में आते हैं गाइस टॉप मॉडल में, ये वो वाला डिज़ाइन है अपना पूरा, और जो कलर कॉम्बिनेशन है गाइस वो भी अपना पूरा यही वाला डिज़ाइन है। मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ, पीछे भी चेक कर लो गाइस आप लोग, और आप ये अंदर चल के भी दिखाएंगे आपको पूरी। वैसे फिटिंग वगैरह देख लो भाई, बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है। अपने जो साइड में आर्म रेस्ट होता है वो भी पूरा चेक कर लो कितनी ज़बरदस्त उसकी फिटिंग आई है। और मैं आपको एक बार अंदर चल के दिखाता हूँ, अंदर आके भाई अंदर से मैं आपको बैक साइड भी दिखाता हूँ एक बार डिज़ाइनिंग इसकी पूरी, और जो प्रॉपर फिटमेंट आई है काफ़ी ज़बरदस्त इसकी फिटमेंट आई है। हेडरेस्ट चेक करो, अपना आर्मरेस्ट चेक करो गाइस, ये वाला प्रॉपर टैन और ब्लैक कलर का अपना डर है। साथ ही साथ भाई अपने जो साइड पिलर्स जो साइड डोर होते हैं वो सारे रेडी हो रहे हैं, देख लो ये सारे खुले हुए हैं, सब रेडी हो रहे हैं। बाकी इसके अंदर गाइस स्पीकर में भी अपग्रेडेशन हुई है अपने, इसके अंदर ओवल पाइनर के ओवल जो स्पीकर्स होते हैं वो इसमें इंस्टॉल हुए हैं पाइनर कंपनी का, आप चेक कर लो देख लो, मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। बाकी एक बार आप स्कफ प्लेट के लुक भी चेक कर सकते हो, अपना ब्लू कलर में है, ब्लैक एंड ब्लू। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो भाई, 6 जो अपने 6x9 ऐसे इंचेस के होते हैं भाई, ये ओवल स्पीकर्स होते हैं, हमने चेक कर लो पायनर कंपनी के, उस साइड भी दिखा देता हूँ। और इसके अंदर भाई जो स्टीरियो है वो स्टॉक ही है, बट इसके अंदर जो एम्पलीफायर डला है वो अपना पायनर कंपनी का एम्पलीफायर डला है। और एक बार बेस ट्यूब के बारे में भी गाइड कर देता हूँ, कौन सी बेस ट्यूब डली है। लाइट्स आर लुकिंग ग्रेट, और इसका मैं अगर बूट खोल के आपको वूफर दिखा देता हूँ। तो भाई जो वूफर है वो है अपने बॉस्टन कंपनी का, तो वूफर इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड था, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, बट बाकी मैंने आपको सोचा कि आप लोगों को एक बार इसका ओवरव्यू दिखा दूँ, और आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। बाकी साउंड वगैरह तो मैं आपको दिखाई दूंगा, और एक बार ये चेक कर लो बॉस्टन कंपनी का। स्पीकर्स मैंने आपको दिखाई दिए, इंटीरियर मैंने आपको दिखाई दिया है, लाइट्स एक बार फिर चेक कर लो। और दोबारा से भाई कार के अंदर आ गए हैं, तो इस साइड से भी आप स्पीकर पूरे चेक कर सकते हो।
सॉरी अपने सीट कवर वगैरह चेक कर सकते हो पूरे, और स्पीकर भी यहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी भाई इसके जब जैसे ही डोर आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साउंड वगैरह भी आपको सुनाऊंगा। बाकी बटन किट यहाँ पे भी एक बार चेक कर सकते हो आप लोग, बटन किट भाई पूरी यहाँ पे भी लगता है बटन किट का पार्ट। तो भाई इस गाड़ी के अंदर काफी काम हुआ है, बिल्कुल जो कहते हैं ना बेस सेट ऑलमोस्ट टॉप मॉडल हमने कार को बना दिया है, और इस गाड़ी के अंदर काफी जबरदस्त इसमें काम हुआ है। तो गाइस इतने में हमारे डोर रेडी हो रहे हैं, एक बार मैं आपको उनके जो अपने स्पीकर हैं ये इसके साउंड सुना देता हूँ, जो वूफर के साथ पूरी आउटपुट आ रही है वो सुना देता हूँ। तो भाई यहाँ पे एनसीएस का म्यूजिक हमने प्ले कर रखा है, पे प्ले कर दो। जो मैं आपको डोर बता रहा था वो भी हमारे बिल्कुल रेडी होके आ चुके हैं, और आप देख लो भाई ये भी पूरे टैन कलर का है, और एक बार फिनिशिंग वगैरह चेक करो बिल्कुल, कॉर्नरिंग वगैरह देखो भाई पूरा इंस्टॉल हो गया। साथ के जो मैं आपको शेडो लाइट दिखा रहा था भाई वो भी पूरी चेक करो अपनी, यहाँ पे टोयोटा का साइन है और देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है पूरी, और गेट देख लो, और इसे एक बार बंद करके आप देखो भाई पूरी शेडो लाइट दिखा देता हूँ, इसे बंद कर देते हैं और पीछे की साइड भी आपको दिखा देता हूँ एक बार गेट। तो वुडन वर्क टैन के साथ भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, और वह काफ़ी शानदार लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये। और देखो भाई अपना ये, और जो अपनी शेडो लाइट है पूरी हरी, और जो अपनी स्कफ प्लेट्स हैं, तो भाई गाड़ी के अंदर सारा काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब जो लास्ट काम रह गया वो लग रहा है HID लगना, तो HID का भी काम स्टार्ट होने वाला है अभी, तो वो भी देखते हैं। बाकी भाई अभी ये चेक कर लो सीट कवर के साथ, और भाई बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया। एक बार फाइनल लुक दोबारा से आपको अलॉय व्हील्स के साथ दिखा दूँ और लाइट्स के साथ दिखा दूँ, और अब चलते हैं एक बार सीधा HID की तरफ। जो हमारा लास्ट काम रह गया वो रह गया अपने इसके अंदर HID इंस्टॉल होनी, अपने लो बीम में हाई बीम में HID इंस्टॉल हो रही है, और जो अपना फॉग लैंप्स है उसके अंदर गाइज अपनी LED इंस्टॉल हो रही है। जो LED HID इंस्टॉल हो रही है वो हो रही है गाइज अपनी CN लाइट की, और बिल्कुल पूरी वायरिंग वगैरह देखो भाई पूरी आ चुकी है, और भैया के हाथ में वायरिंग है, और जो केल्विन डल रही है वो डल रही है अपने 6000 केल्विन, जो वॉट डल रही है गाइज वो डल रही है 55 वॉट। तो भाई काम पूरा स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही एक बार डलेगा इसका रिस्पॉन्स वगैरह मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। फॉग लैंप में नाइट आई की LED डल रही है, तो उसका रिस्पॉन्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। काम हो गया अपना पूरा फर्स्ट क्लास स्टार्ट। इसके अंदर हमारी HID इंस्टॉल हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉग लैंप्स ऑन करके दिखा देता हूँ। तो भाई फॉग लैंप हमारे ऑन हो गए हैं, और जो फॉग लैंप में हमारी जो लाइट डली है वो डली है अपनी नाइट आई की LED, और ऊपर पार्किंग पर भी वाइट करवा दिया है, तो इसकी रोशनी देख लो आप, फॉग लैम्स की रोशनी है भाई ये। अभी इसका लो बीम ऑन कर दो। तो गाइस ये अपना इसमें लो बीम ऑन हो गया है, और जैसे अपनी HID डली है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ भाई, इसके अंदर HID डली है, वाइट कलर है, तो आप देखो रिस्पॉन्स देख लो भाई इसका, सिर्फ अपना लो बीम का रिस्पॉन्स है ये, और देखो भाई कितनी ब्राइट है, देखो भाई कितनी ब्राइट हो चुकी है। अब ये हाई बीम भी ऑन कर दो। तो गाइस अपना हाई बीम भी ऑन हो गया, देख लो धीरे धीरे करके ब्राइट अप हो रहा है, और एक बार सामने रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, देखो भाई कितना जबरदस्त इसका रिस्पॉन्स है, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है, सामने से दिखाता हूँ एक बार पूरा रिस्पॉन्स। लाइट का जो थ्रो है रिफ्लेक्टर के अंदर भी अच्छा आ रहा है, बट बाकी भाई प्रोजेक्टर भी आप इसके अंदर लगवा सकते हो, प्रोजेक्टर से और अच्छा थ्रो बढ़ जाता है, बट लाइट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लो कितनी अच्छी है। भैया एक बार बंद करके डिपर मारना, डिपर मार दो। तो भाई डिपर का रिस्पॉन्स देख लो, और एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ डिपर। तो भाई ये आपने पूरा देख लिया है, और गाड़ी का भाई सारा काम कंप्लीट हो चुका है, इंडिकेटर दोबारा से देख लो, नाइट व्यू देखना है तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब चलते हैं सीधा भाई ओनर के पास और उनसे करते हैं बात। सो गाइस गाड़ी के अंदर जो भी काम होता सब आपने देख लिया है, तो भाई इन भैया की गाड़ी थी। तो भैया पहले आप बता दो कहाँ से आए हो? जलंधर से। तो भाई भैया जलंधर पंजाब से आए हैं, और भैया गाड़ी में जो भी काम हुआ सारा आपके हिसाब से हो गया? बिल्कुल। और आपके भैया कितने पैसे खर्च हो गए ये भी बता दो? 85,000। तो गाइज भैया के 85,000 लग गए हैं, और दोनों भैया ने सारा स्पेंड करा है। और भैया काम कहाँ से हुआ ये भी बता दो? बालाजी मोटर से। तो भाई बालाजी कार एसी से काम हुआ है, डिंपल भैया आपको बीच में दिख रहे होंगे, डिंपल भैया ने काम करा है, एक बार बोर्ड भी दिखा देता हूँ। तो भैया और आप एक बात बताओ, जैसे अपना पूरा इंटीरियर जो रेडी हुआ है ये इसमें ब्रांडेड सीट कवर डले हैं, वो कौन सी कंपनी के, वो भी गाइड कर दो। टैक्स स्मिथ के।
और तो गाइज वो जो आपके सीट कवर देखे वो अपने जैक स्मिथ के डले हैं, अपने ब्रांडेड सीट कवर हैं और कोई लोकल नहीं। और भी इसकी गारंटी वारंटी भी आती है कुछ? इसकी 2 इयर्स की वारंटी, 2 इयर्स की वारंटी है। साथ के साथ जो हमने HIDs के अंदर डाली है उसकी क्या वारंटी वगैरह रहती है? 1 ईयर की रिप्लेसमेंट गारंटी, 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी। तो गाइज भैया ने आपको हर एक चीज बता दी, बाकी भैया की डिटेल्स आपको दे दूंगा, आप भैया से कॉन्टैक्ट कर लेना डिटेल्स के लिए, प्राइजेस के लिए। बाकी भैया काम में बिल्कुल मजा आ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल। और भैया आप बताओ? बहुत बढ़िया। और भाई भैया ने बेस मॉडल लिया था बट मानना पड़ेगा भैया ने 85,000 1 लाख स्पेंड करके गाड़ी को बिल्कुल टॉप मॉडल बना दिया, और डिंपल भैया ने भाई बहुत जबरदस्त काम इसके अंदर कर दिया। तो भाई वीडियो बस कर रहे हैं यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी दिक्कत हो जाके इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम हैंडल अपने भाई जेजे ऑटोमिल ब्लॉग्स जो चैनल का नाम है वहीं पे जाके मुझे मैसेज कर देना, जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं आप वहाँ पे सॉर्ट आउट कर दूंगा। बाकी भैया से आप कॉन्टैक्ट कर लेना किसी चीज़ की प्राइस लेने के लिए। इसकी अप्रॉक्स प्राइस बताऊँ तो भाई 14-15 हज़ार के करीब अपनी बैकलाइट पड़ती है, और इंटीरियर का भैया ने आपको इंटीरियर के अप्रॉक्स बताऊँ तो भाई 10-12 हज़ार रुपये में आपका नॉर्मल वाले इंटीरियर रेडी हो जाता है। बाकी फॉर एग्जैक्ट प्राइजेस आप डिंपल भैया से बात कर लेना, वो आपको हर एक चीज़ बता देंगे। थैंक यू गाइज।